दोस्तों, बचपन में जब आपने नया नया कंप्यूटर चलाना सीखा था, तब कीबोर्ड पर अक्षर ढूंढने में जरूर दिक्कत का सामना किया होगा। और इसी के साथ आपके जहन में एक सवाल भी आया होगा कि क्या ससुरा ये कीबोर्ड बनाने वाला पगला गया था जो बटनों को उल्टा सीधा लगा दिया। तो इसी के बारे में बात करते हैं। दरअसल 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सेल्स ने टाइपराइटर के कीबोर्ड को ABCD फॉर्मेट में रखा था, जिसमें बटनें एक दूसरे से काफी नजदीक होने के कारण की गर्म होकर जाम हो जाती थी, जिससे टाइपराइटर को जल्दी जल्दी रिपेयर करना होता था और टाइपराइटर पर टाइपिंग स्पीड कम होने के साथ ही टाइपिंग एरर भी खूब होते थे। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो अक्षर ज्यादा यूज होते थे, जैसे कि EISM, उनके लिए पूरे कीबोर्ड पर घूमना पड़ता था। इसी समस्या को एड्रेस करते हुए कई एक्सपेरिमेंट हुए, तब जाकर 1870 के दशक में कई प्रयोग के बाद क्वालिटी फॉर्मेट डेवलप किया गया, जो आज कंप्यूटर, लैपटॉप, टाइपराइटर में यूज होता है।